और विश्व शांति गुरुकुल स्कूल ने बकायदा एक गाइडलाइन भी तय की है और अभिभावकों को इसकी कॉपी दी है। इसके मुताबिक स्कूल की छात्राएं सफेद या स्किन कलर के इनरवेयर ही पहनेंगी। सैनिटरी पैड्स डस्टबिन में न डालने पर ₹500 जुर्माना लगाया जाएगा। तय वक्त पर ही शौचालय के इस्तेमाल की इजाजत दी गई है और पानी या बिजली के बेवजह इस्तेमाल पर ₹500 जुर्माना लगाने की बात कही गई है। सबसे बड़ी बात यह है कि स्कूल मैनेजमेंट ने कहा है कि नियम के खिलाफ कोई विरोध प्रदर्शन नहीं करेगा, यहां तक कि पेरेंट्स इस संबंध में मैनेजमेंट मीडिया से बात नहीं करेंगे। इसके पीछे स्कूल की दलील यह है कि ये सभी नियम स्कूल की छात्राओं की सुरक्षा के मद्देनजर लिए गए हैं। स्कूल की दलील है कि ये सुरक्षा की वजह से बनाए गए नियम हैं। पुणे के MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल में पढ़ने वाली लड़कियों के माता पिता बेहद नाराज हैं। अभिभावकों के पास नाराजगी का एक बड़ा कारण है। कारण है लड़कियों के अंडरगार्मेंट पर स्कूल का तुगलकी फरमान। ये तुगलकी फरमान पुणे के MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल ने जारी किया है। MIT स्कूल ने आदेश दिया है कि स्कूल की लड़कियां सफेद या स्किन कलर का इनरवियर पहने। MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल ने अपनी इस प्रदूषण भरी सोच के लिए लड़कियों की सुरक्षा का हवाला दिया है। जिनको कुछ हमारे रूल एंड रेगुलेशन से दिक्कत आ रही है वो हमसे आके बात करे, अगर कुछ गलती हुई है तो हम सुधारने के लिए तैयार है, क्योंकि स्कूल बनाया बच्चों के लिए है ना कि हमारे लिए। किसी खास रंग के अंडरगार्मेंट पहनने से लड़कियों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी ये तो स्कूल प्रशासन ही जाने। स्कूल का ये फरमान लड़कियों के अभिभावकों के समझ से तो परे है। इनरवियर्स हम लोग कौन से कलर के चूज करें या ना करें, किस टाइप के चूज करें या ना करें, इसका हम लोगों को बिल्कुल भी हम लोग इससे सहमत नहीं है कि ये आप लोग एक रूल बुक बना के। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा शिक्षण संस्थान होगा जो अपने यहाँ पढ़ने वाली लड़कियों के इनरवियर का रंग तय करता होगा। पुणे के MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल ने तो हद ही कर दी। स्कूल ने लड़कियों के अभिभावकों को इस नियम को अनिवार्य रूप से पालन करने के लिए स्कूल डायरी में साइन करने को कहा है, अंडरटेकिंग देने को कहा है। छात्राओं के इनरवेयर का रंग तय करने के बाद नाराज पेरेंट्स ने स्कूल के खिलाफ शिकायत की है। अंडरगार्मेंट का कलर ही नहीं, टॉयलेट कब जाना है कब नहीं, इसका भी टाइम टेबल बनाया गया है। MIT स्कूल ने स्टूडेंट्स के लिए बेतुके नियमों की पूरी लिस्ट बनाई है। छात्राएं सफेद और स्किन कलर के इनरवेयर पहनेंगी। सैनिटरी पैड्स को डिब्बे में नहीं डालने पर ₹500 का जुर्माना लगाया जाएगा। स्कूल में टॉयलेट इस्तेमाल करने का वक्त तय किया गया है। पानी बिजली के अनावश्यक इस्तेमाल पर ₹500 जुर्माना होगा। स्कूल के खिलाफ छात्र छात्राओं के अभिभावक आंदोलन नहीं करेंगे। छात्र छात्राओं के अभिभावक आपस में बात नहीं करेंगे। अभिभावक इस संबंध में मैनेजमेंट और मीडिया से भी बात नहीं करेंगे। स्कूल के इन अजीबोगरीब नियमों को लेकर अभिभावकों में नाराजगी है। अभिभावक स्कूल के इन तुगलकी नियमों के खिलाफ लामबंद होकर विरोध कर रहे हैं। स्कूल की तो बस एक ही दलील है, लड़कियों की सुरक्षा। कानून के जानकार भी स्कूल की इस दलील से इत्तफाक नहीं रखते। इनरवेयर के भी क्या कलर होंगे, क्या लेंथ होगी, सरासर गलत है। मैं तो कहूंगी ये 509 ऑफ द IPC में इट वायलेट्स द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, क्योंकि इस तरह के कोई भी स्टेटमेंट या इस तरह के इंस्ट्रक्शंस महिला की अस्मिता, बच्चों की अस्मिता जो है उसको ठेस पहुंचाते हैं। जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है ऐसे स्कूलों को फटकारे। न्यूज के माध्यम से स्कूल की प्रदूषित सोच महाराष्ट्र सरकार के पास पहुंची। महाराष्ट्र सरकार ने पुणे नगर निगम को मामले की जांच का आदेश दिया है। अमित जोशी के साथ अरुण महात्रे, जी मीडिया, पुणे। और MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल के नए नियम पर सवाल उठ रहे हैं, आखिर इससे स्कूल को हासिल क्या होगा और लड़कियों के इनरवेयर के रंग कैसे तय कर सकता है कोई भी स्कूल। सफेद या स्किन कलर के इनरवेयर से छात्राओं की सुरक्षा कैसे होगी। क्या स्कूल बता सकता है कि स्टूडेंट्स के शौचालय जाने का वक्त स्कूल कैसे तय करेगा। स्कूल के बारे में माता पिता शिकायत क्यों नहीं कर सकते। हालांकि मीडिया ने जब स्कूल मैनेजमेंट से सवाल पूछा तो उनका कहना है कि पेरेंट्स को शिकायत है तो बात कर सकते हैं, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा नियम बनाने से पहले अभिभावकों से सलाह ली क्यों नहीं गई। और आगे चलते हैं, मुंबई की बात करते हैं। मुंबई में पेरेंट्स और छात्राओं ने स्कूल के इस नियम का विरोध किया है। I don't understand the reason or probably what a school has to do with what a female student is wearing inside. They are related, I mean, they should be concerned about the education of the girl students
not only girls but basically children. So I don't see a relation between a female innerwear and education. I don't think so. कि मुझे नहीं लगता है कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्योंकि mentality जो है लोगों की वो इस पे depend नहीं करती है कि आप कपड़े कौन से पहनते हैं. उनको मतलब जैसे उनको आना है वैसे वो आ सकती है. ऐसा नहीं है कि उनको ऐसा ही बोलना चाहिए कि स्किन कलर का ही इनर पहन के आओ एंड ऑल. ऐसा नहीं होना चाहिए. नहीं, मुझे ये समझ में ही नहीं आया कि इनरवेयर का कलर डिसाइड करना क्यों जरूरी है स्कूल को, क्योंकि उससे क्या फर्क पड़ता है. और इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने भी स्कूल के तुगलकी फरमान पर सख्त रुख अख्तियार किया है. राज्य के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े ने कहा है कि अनुशासन के नाम पर इस तरह की कोई पाबंदी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. तावड़े ने कहा कि उन्होंने मामले की जांच के लिए शिक्षा विभाग के डिप्टी डायरेक्टर को आदेश दिया है. रिपोर्ट आने पर स्कूल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. जो बच्चों ने कहा है और पेरेंट्स ने कहा है, अगर वो सच है तो इस प्रकार की सख्ती कोई स्कूल कर नहीं सकती. अनुशासन तो होना चाहिए, अनुशासन के नाम पर इस प्रकार की कड़ाई मैं मानता हूं कि अनावश्यक है. और इसलिए रिपोर्ट आने के बाद शिक्षा विभाग